आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। पहला सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से 12:30 बजे शुरू होगा। सत्र में विपक्ष जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रश्न और मुद्दे सही नियम के तहत तो विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे, राज्य सरकार हर एक का जवाब देने और उन पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि 18वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये इस सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। 26 मई को बजट पेश किया जाएगा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2022-23 का। इसके साथ ही आज आजम खान ने भी अपने विधायक पद की शपथ ले ली है। सतीश महाना ने उनको विधायक पद की शपथ दिलाई है, वो भी इस बार सदन में मौजूद रहेंगे, सपा की तरफ से अहम मुद्दों को उठाएंगे। इस बार सपा जो कि एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वो भी कई मुद्दे उठाने वाली है क्योंकि कई उनके भी विधायक और मंत्रीगण इस बार मौजूद रहेंगे इस सदन में। बहुमत में जहां पक्ष है तो वहीं बहुसंख्या में विपक्ष भी है, जिसके चलते इस बार का प्रश्न उत्तर काल काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है। जहां योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे और विधानसभा पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे को उठाया जाएगा, प्रदेश की 26 करोड़ की जनता के लिए जो अहम होगा, जो सही होगा, उस फैसलों को किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, अब कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। सबसे पहले आज राज्यपाल अपना उद्बोधन देंगे और आज जो शुरुआत होगी उसमें कई अहम चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि विपक्ष के भी अच्छे खासे नेता सदन में मौजूद है, सरकार भी हर एक मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शांति से और अपनी एक एक बात को रखा जाए, बिना हंगामे के सही तरीके से रखा जाए, क्योंकि पूरा देश इस कार्यवाही को देखेगा। सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, तो तमाम चीजों को देखते हुए क्या हर बार से अलग होगा इस बार का विधानसभा सत्र? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा और योगी सरकार पहला बजट आज पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि आज 11 बजे जब वो अपना बजट को लेकर अपना व्यक्तिगत बजट सत्र का सुबह, वहीं आपको बता दें कि आज वही उनके बेटे उमर अब्दुल्ला आजम भी आज शपथ लिए हैं। वही देखने वाली बात ये होगी कि जहां मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना की तरफ से शांति ढंग के साथ और संयम बनाकर विधानसभा सत्र चलने की बात कही जा रही है, तो वहीं अगर देखें तो इस बार का विधानसभा सत्र काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर पिछली सरकार के मुताबिक अगर देखें तो इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी के 6 विधायक हैं, तो वहीं आरएलडी 7 विधायक हैं, तो एक वहीं अगर भाजपा की विधायक उसके सत्ता में आने की वजह से 255 विधायक हैं, वहीं अगर देखें तो अपना दल एस जहां 11 विधायकों को अपने जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं और आज के सत्र में मौजूद रहेंगे। अगर देखें तो निषाद पार्टी के 6 विधायक हो, वहीं कांग्रेस की तरफ से 2 विधायक, वहीं अगर देखें तो बसपा की तरफ से उमा शंकर 1 विधायक होंगे। देखें तो सभी विपक्ष की पार्टियों का एक इस बार होगा। देश में प्रदेश में बढ़ती महंगाई, शिक्षा का
सब साथ ही साथ बेरोजगारी दर को लेकर कहीं ना कहीं इसमें सुधार को लेकर आज पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखें तो आज विधानसभा सत्र से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसीओ के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया है, मगर आपको बता दें कि आज के सत्र में विशेष ये होगा कि इस बार अगर देखें तो भारतीय लोकतंत्र इतिहास में प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा को ई विधानसभा पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है, जहां सभी विधायक अत्याधुनिक लैस जो गैजेट्स है उसके द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में सम्मिलित होंगे और प्रश्नकाल की बात की जाए चाहे जवाब की बात की जाए तो वो उस टैब से दे सकेंगे। वहीं अगर इस बार विधानसभा के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सीट चिन्हित करके उनके सीट बना दिए गए हैं, चार बनाए गए हैं। रखे गए हैं और लॉगिन आईडी रखी गई है जिसकी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अंदर नेवा जो तकनीकी चीजें होंगी उसके बारे में देखी जाएगी। साथ ही साथ मेवा पूरे विधानसभा के जो ऑनलाइन सत्र चल रहा है उस पर कंट्रोल रखेगा। वहीं आपको बताया कि कानून व्यवस्था को सही रखने को लेकर विधानसभा की को लेकर जो सुरक्षा के हैं वो सभी गेटों पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां आपको मिलाए वही जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत किशोर वो भी आज गश्त में मौजूद रहे और सभी आसपास की जगहों को देखकर और गश्त किया और साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम को उन्होंने निरीक्षण किया। और विधानसभा अगर बात करें सपा की तो सपा ने पहले से ही बैठकों का दौर शुरू कर दिया, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश रही और अगर देखा जाए सभी के पहुंचने से पहले सपा के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। तो क्या लग रहा है कि आज सदन में भी जो 6 दिन की कार्यवाही रहेगी उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? अगर इसी तरह का माहौल रहेगा जैसा हर बार रहता है तो क्या इस बार शांति प्रिय ढंग से जो सरकार द्वारा उठाए जाने मुद्दे हैं जो नहीं उठा पाते हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए तो वो इस बार भी क्या उठ पाएंगे या नहीं? क्योंकि जिस तरह से दावे और वादे करती है विपक्ष की कई मुद्दे हैं, रोजगार का है, गरीबी का है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने की जरूरत है सदन में, लेकिन जब सदन की कार्यवाही होती है तो वो मुद्दे कहीं बहस में, चर्चा में, हंगामे में गायब हो जाते हैं। तो क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या फिर जिस तरह से हाईटेक हो गया है सदन की इस बार की कार्यवाही, ई विधान हो गया है, तो इस बार शांतिपूर्ण ढंग से हर एक मुद्दे को उठाया जा सकेगा? जी बेशक, अगर देखें तो पहले से विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा दिखेगी, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है 125 विधायक विपक्ष में बैठे हैं, यानी कि नो लॉबिंग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने की नो लॉबिंग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं देखें तो सरकार को जहां एक तरफ कल समाजवादी पार्टी के एमएलसी और एमएलए की बैठक होती है जिसमें सरकार को घेरने को लेकर तैयारियां की जाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सुबह विधायक और एमएलसीओ की बैठक की जाती है और सरकार आज सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए साथ ही साथ नीतियों का समर्थन को लेकर बैठक की गई है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के अंदर में कल बैठक हुई है तो उसमें सरकार को घेरने की तैयारी पूरी उन्होंने कर ली है। वहीं अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के साथ सभी जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से एक ही मोटिव होगा कि जहां एक तरफ बिजली की कटौती हो रही है, साथ ही साथ राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में बिजली की कटौती हो रही है और गांव की अगर बात करें तो गांव में दूर दराज इलाकों में जहां 12 से 14 घंटे बिजली आ रही है, इन सभी समस्याओं को लेकर आज विधानसभा में सरकार जो सरकार है उसको घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा। वहीं अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखें तो जो विधानसभा के स्पीकर है सतीश महाना, उनकी तरफ से कहा गया है कि सदन की कार्रवाई में शांतिपूर्वक ढंग से चलाने का उनकी तरफ से आग्रह किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत है, तो इस बार इन सभी मुद्दों को बहुत ही मजबूती के साथ सदन में रखेगा और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। वहीं अगर देखें तो आज पहला सदन का पहला दिन है और 26 तारीख को बजट पेश होगा, तो प्रश्नकाल का समय होगा। उसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या शांतिपूर्वक ढंग से प्रश्नकाल का समय चलता है या अशांति के चलते उसे भंग किया जाएगा। मगर अगर देखें तो अब
सरकार को जो विपक्ष के सवाल है उसको बड़े ही अच्छे से जवाब देना चाहिए और डिफेंड करना चाहिए। सदन की कार्रवाई जो जनता पूरे सदन की कार्रवाई के लिए पूरे साल भर समय इंतजार करती है कि सदन की कार्रवाई चलेगी और उसमें समस्याएं उठाए जाएंगे, तो विपक्ष को जो प्रमुख समस्याएं उसको उठाकर सरकार को अवगत निर्देश देकर और जनता के लाभ के लिए काम करने की जरूरत। बिल्कुल, जनता के लाभ के लिए हर एक मुद्दे को उठाना काफी जरूरी भी है, उसे चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है कि पिछली उपलब्धि और भावी कार्य योजना के ऊपर भी चर्चा करी जाएगी, सदन में चर्चा में एक एक चीज को शामिल किया जाएगा जो कि हमारे प्रदेश के एक एक व्यक्ति और वर्ग के लिए काफी जरूरी है, वो चाहे किसान हो, युवा हो या फिर गरीब हो, सभी के लिए चीजों के लिए जो जरूरी चीजें हैं जो कि जनता तक पहुंचनी चाहिए और जो कमियां देखने को मिल रही हैं उन सभी पे बात करी जाएगी और सभी की चर्चा में राय ली जाएगी और इसके तहत आगे की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 26 मई को बजट भी पेश होना है उत्तर प्रदेश सरकार का और उससे पहले भी कई आकलन लगाए जा रहे हैं, कई अटकलें लगाई जा रही है कि कई चीजों पे बात हो सकती है, वो चाहे महंगाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो या फिर बिजली संकट है उसको लेकर हो, पानी की समस्या को दूर करना हो, शहर में सफाई करनी हो, सड़क सुरक्षा जो इस समय चल भी रहा है जिसपे ध्यान दिया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर, उस पर भी चर्चा हो सकती है सदन में। जिस तरह से काम किए हैं योगी सरकार ने पिछले 5 साल में और दूसरा कार्यकाल संभाला है, 100 दिन का खाका तैयार करने को भी कहा गया है और इसको लेकर भी सदन में चर्चा की जा सकती है कि किस तरह से पेश किया जाएगा 100 दिन का खाका, किस तरह से सरकार के मंत्री काम करेंगे, क्या उससे विपक्ष संतुष्ट है, विपक्ष की राय ली जाएगी कि और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है काम को सरकार के और किन किन चीजों पर और ध्यान देने की जरूरत है।